Please subscribe my YouTube channel. Yo, guys, 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 welcome back to my YouTube channel. तो प्लेन पे लग चुके हैं फायर, तो मुझे अलार्म ना पड़ेगा जल्दी जल्दी से, नहीं तो मेरा पिछवाड़े पे लग जाएगा हाग। तो मुझे जल्दी जल्दी से नांगा उड़ेगा, नहीं तो मेरे पिछवाड़े का लग जाएगा। फास्ट। तो आज हम ब्लॉग देने भी वाले हैं कुछ। तो सबसे पहले तुम्हें लेस पॉपुलर्स एरियाज लाइक रैमना विलेज के जैसे कुछ जगह पे उतरना पड़ेगा, जहाँ पर कम कंपटीशन पे आप लोग जीत सकते, बिकॉज़ पर आपको ज़्यादा से मात्रा पे लूट मिलेगी और आपको एनिमी नहीं रहेगा। फर्स्ट कुछ सेकंड्स ले लो जब तक वो बैन अपने सुतरे। तो फर्स्ट कुछ सेकंड्स को आपको कुछ ध्यान पे रखना है। जैसे मैं उतरते ही एक उसी रूम को पढ़ता, और मैंने उतरते ही कुछ समझना समझे, ऐसे मैंने चला गया बिकॉज मुझे लूट मिल नहीं था। और कुछ जाऊँ ना उससे तो प्रोगन और कुछ वेस्ट एंड कुछ मिल नहीं था मुझे। तो मैंने देखो प्रोगन वेस्ट हेलमेट मैंने सब कुछ लूट लिया। ऊपर से क्या उसी दिन का पार्ट के लिए जो भूत कुछ मिल रहा था, जैसे मैंने एक शॉटगन लिया। तो तुम्हें दो टाइप के एक साथ गान नहीं लेने चाहिए, ऐसा ही है कुछ समझ लो। ऐसा ही दो टाइप के आपको गान नहीं लेने। सो ऐसा आप कुछ करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज कुछ भी मैं पागल हो चुका हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लूट्स करने, कॉइन्स कलेक्ट करने पड़ेगा। इसके बाद आपको फ्लैश फ्यूज इंक्लूज लॉन्ग रेंज के लिए गन चाहिए, जैसे वुड पिकर। वुड पिकर मैंने इसलिए लिया बिकॉज M10 से ज़्यादा मेरे पास ड्रोन था, ड्रोन उस समय का सर्वश्रेष्ठ गन में रहता। सो इसके लिए अब मैंने व्हीकल एड्रॉप क्यों लिया, बिकॉज मुझे कभी भी गाड़ी का ज़रूरत पड़ सकता था, मुझे टाटा कंपनी का कार ऑर्डर नहीं करना था, तो मैंने रख दिया। तो जैसे टाटा कंपनी का कार चलेगा मेरे पास, ऐसे भी आपको कुछ लूट करने पर कभी भी शौक नहीं होना है। अब टोटल गेमिंग देख लो और कुछ देख लो, देसी गेमर सामिक भाई सबको देख लो, हमारे कंट्री यानी कि बांग्लादेश का। अब मिस्टर छपोला को देख लो, करने के पहले लूट है सबसे अच्छी काम होती है जो आप करना चाहिए, क्योंकि लूट इज़ द बेस्ट थिंग। या आपको लूट करना चाहिए, आपको लूट करना चाहिए, ऐसा कुछ है बिकॉज जब आपके पास सामान नहीं रहेगा तब आप कैसे फाइट करोगे। फाइट पर तब जाना जब आपके पास सर्वश्रेष्ठ चार्ज मिलेगा, तब आपको जाना चाहिए, बिकॉज शहर में जाओगे तो आपको धुलाई हो सकती है। जैसे गोल्ड का नक्शा था तो मैंने इतना ज़्यादा लूट फूट ना करके थ्रोएबल रहना रख गए हैं, बिकॉज थ्रोएबल थी ही ऐसा है जब आपके पीछे नहीं लूटे पीछे फारेगा, आप रश नहीं कर सकते बिकॉज वो आपको मार देगा। इसके लिए थ्रो से उसको निकल सकते हो आप, एंड आप दोस्तों के सामने बता भी सकते हो आपके पास कुछ है या फिर नहीं। तो मैंने देख रहा हूँ जी, मैं नदी के उस पार जाता हूँ, देखो अपना टीम वाइप डाउन करती मशरूम, मैंने इसलिए कहा बिकॉज मेरा ओरायन था, ओरायन के टाइम मशरूम बहुत ज़्यादा राजी हो गया। हर एक चीज़ आपके पास ओरायन है, आप मशरूम से आपका ईपी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अवश्य आपको तो ईपी 20-30% बढ़ाना चाहिए, बिकॉज आप जब डैमेज करोगे तो आपका जो ईपी है वो कट के रहेगा और आपका ओरायन डिस्चार्ज हो जा सकता है। तो इसके लिए मैं इस उपदेश को दे रहा हूँ। देखो मैं क्लॉक टावर इस पर आई बिकॉज ज़्यादा बंदे उतरे थे, ज़्यादा बंदर उतरा तो मेरे पास ये एक एडवांटेज है, बिकॉज मैं मुझे आप किल करना है, मुझे और लूट नहीं करना। लूट के लिए आप एक जगह जगह जाने है, उसके बाद उसको पास से सबसे बेसी खतरनाक जगह जैसे यहाँ पर क्लॉक टावर है, यह तो अपनी घर मूड युवा शक्ति सॉरी युवा शक्ति स्ट्रीप ऑब्जर्वेटरी पर जा सकते हैं, पर कंपटीशन नहीं है, बहुत ज़्यादा लूट्स भी मिलते हैं। अरे खास करके क्रिकेट का लॉक था बिकॉज ए दो फारू जगह फारू फारू जो फाड़ देखता है कुछ भी। तो इसके बाद आप खुद ही देखिए बिकॉज वो ज़्यादा सीखे थे। तो खास करके ऐसे कुछ करना तो मैं आप जा रहा हूँ, चीज़ जो आपको करना है आपको सबसे रशन हो तो एक्सप्लोर करते हैं। आपको ऐसी निश पकड़ना है जिसपे अप्रूव है, प्रसादा तो राश करो, प्रसादा तो प्राश करो, प्रसादा तो ताश करो भाई, कुछ भी करना है तो कुछ भी कर लो, लेकिन कम पे मगन रहो, रास्ता तो राश करो, आज का प्लास पूछ भी नहीं मत करना,
रश रश हो तो रश ही कर लो और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ रश। अब पुशर हो तो घर के अंडर बोर्ड जाओ, जैसे 10 सेकंड बंद गए आपको उतरना पड़ेगा। चिड़े भाई आप खुद को पता है आप कितना बड़ा प्रो हो, खास करके रशर से ज्यादा पुशर की यह होती है, बिकॉज को सरप्राइज अटैक मिलता है जो रशर्स को नहीं मिलता। रशर्स सरप्राइज अटैक देता है लेकिन पुशर्स सरप्राइज अटैक लेते हैं। इसके लिए पुशर्स के पास एक और एडवांटेज है, जिससे ज़्यादा एडवांटेज रशर्स के पास है, बिकॉज रशर्स स्किल पे एक्टिव रहते हैं जो पुशर्स नहीं रहते। पुशर्स के प्लस अब 1v1 कर लो तो पुशर्स 7-0 30-0 से हार जाएगा, बिकॉज पुशर्स रशर्स के साथ नहीं लड़ रहे पड़े, बिकॉज रशर्स का स्किल है। लेकिन पुशर्स सरप्राइज अटैक ले सकते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, बिकॉज रशर्स और नहीं करते जब पुशर्स करते हैं, पुशर्स और नहीं करते जब रशर्स करते हैं। जब पकड़ लो आप पुश कर रहे हो, आप टावर को ऊँचे उठ लो, आप भी किसी भी उस लॉन्च पैड या फिर टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करके आपके पास आ गया तो ख़त्म, आपको सरप्राइज अटैक लेना पड़ेगा। और जो रशर्स होते हैं वो ज़्यादा जीत जाते हैं, उसका रैंक जल्दी से प्लस होते हैं, बिकॉज रशर्स के पास इतने एक्टिव स्किल है, वो सरप्राइज अटैक नहीं ले पाए तो भी उसका कुछ बात नहीं है, उसको सरप्राइज अटैक दे देते हैं, सैनिक कुछ ज़्यादा डर जाता है और उसको रहता है। तो देखो मेरा एक पार्टनर बना, पार्टनर को रिवाइव करना ज़रूरी है, बिकॉज आपका टीम पे जब ज़्यादा से ज़्यादा परिमाण का व्यक्तित्व अवस्थानीय रहेगा, मैंने पकड़ लो। देखो अब मेरा कार का सिस्टम करेगा, बिकॉज मुझे टाटा का कंपनी का कार मैंने ऑर्डर कर लिया भाई, और देखा किसी सेकंड्स के अंदर टाटा कंपनी डिलीवर करते है। ए टाटा कंपनी कितना फास्ट है, रतन टाटा इज आवर किंग, रतन टाटा इज आवर किंग। सो चलो और कुछ करे और ना करे और मैं जाता हूँ। और आपको मैं इसे प्रैक्टिस के लिए उसका स्किल और डैमेज ज़्यादा दे सकता हूँ। रशर्स के यार क्या चाहिए भैया, गाड़ी में जाए तो कुछ है, अरे है नया स्किल है ड्राइवर, ड्राइवर में ड्राइवर भी एक है जो गाड़ी पे बैठा रहता है, घूमता रहता है। देखो मैंने सोलो वर्ष सोलो था तो मैंने सोलो डियर ना लेकर दोनों को रिवाइव दे दूँगा या फिर मैं एक को रिवाइव दे दूँगा, क्योंकि सोलो डियर लेने का रिस्क दिलाना कुछ नहीं, और मैं इतना भी प्रो कुछ नहीं, इतना प्रो नहीं हूँ और इतना नूब भी नहीं हूँ, मैं रशर हूँ नॉट अ ड्राइवर एंड पुशर्स, मेरा शर मेरा स्किल इज सो एक्टिव। देखो मैंने इसको रिवाइव दे दिया और मैंने पर अब आगे कर देखो मेरे तरह आपको ये गलती नहीं करनी, गलती सब करेंगे, गलती से ही लग सकेंगे। देखो मैं इसको यही गलती करती हूँ, मेरे गलती वही यही पर है, आपको ऐसे है और उनके लिए कवर कर जाना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ी लेट कर दी। बस फ्री फायर इज अ फुल स्किल गेम, नॉट अ माइंड गेम, माइंड रहता है बल लेकिन कुछ जगह पे रहते हैं माइंड, 24 घंटे माइंड नहीं आपको लगाना, माइंड भी लगाना है और स्किल भी, आपका हैंड स्पीड बहुत ज़्यादा करता है, आपका हाथ इतना दुर्बल है तो को नहीं करना, हाथ को टाइट करो, डू एनीथिंग बट इज आपको। सो टाटा आपको -6। सो आपको सब चीज़ याद रखना है, लेंटिक एंड बाय।